नमस्कार दोस्तों, आप लोग रविवार के दिन भी आए इस प्रेस मीट में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब अवगत हैं कि 6 तारीख शाम को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा सोनिया गांधी जी ने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बिठाई। उसमें हमारे माननीय सांसद नासिर जी थे, हाइबी ईडन जो केरला से सांसद हैं, फॉर्मर एनएसयूआई प्रेसिडेंट अमृता धवन जी थी, और मैं भी उस कमेटी की एक मेंबर बनाई गई। हमने 8 तारीख को हम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के कैंपस में गए करीब 1 बजे। हमने कई छात्रों से बात की, फैकल्टी मेंबर्स से बात की, कर्मचारियों से बात की, और उनकी सुनवाई हमने, उसकी हमने वीडियो रिकॉर्डिंग करी है वर्बटम। उसके बाद हमने ये रिपोर्ट बनाई है। वाइस चांसलर को मैंने खुद फ़ोन किया, उनका फ़ोन बिजी था, उनको एसएमएस किया कि आपका पक्ष भी हम सुनना चाहते हैं, पर उनका कोई जवाब नहीं आया। इसके अलावा एवीवीपी के कुछ एक्टिविस्ट, मैं आपको नाम दे दूंगी लिस्ट जिनसे हमने बात की, उनको भी हमने बुलाया कि आप हमसे बात करें, पर उन्होंने कहा कि ये सब जुडिस है, एफआईआर है, हम इस पर नहीं बोल सकते। अब सवाल ये उठता है कि जेएनयू में 5 तारीख की शाम को जो घटना हुई, उसमें क्या हुआ, क्या हालात थे, किस तरह की घटना हुई, इसको लेकर हमने अपने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में कुछ फाइंडिंग्स दिए हैं और रेकमेंडेशंस हमने दिए हैं। ये तय है कि जो भी रेकमेंडेशन और फाइंडिंग्स हमने लिखित में सोनिया गांधी जी को कल शाम को दिया है, इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट वी हर्ड ऑन द यूनिवर्सिटी, व्हाट वी सॉ ऑन द यूनिवर्सिटी, एंड हमने पूरी कोशिश की है कि सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स के ऊपर निर्भर ना करके ये फाइंडिंग्स हमने लिखी है। मैं आपको रेकमेंडेशंस पहले संक्षिप्त में बता देती हूँ, और फैक्ट फाइंडिंग थोड़ा लंबा है, उसको मैं समराइज करके ताकि आप समझ लें उसको, मैं उसको समझा दूंगी। पहला है कि वाइस चांसलर जगदेश कुमार शुड बी डिसमिस्ड इमीडिएटली। ए इंडिपेंडेंट इंक्वायरी शुड बी सेट अप टू लुक एट ऑल द अपॉइंटमेंट्स। उनकी नियुक्ति 27 जनवरी 2016 को हुई, तब से लेकर अब तक जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जितने भी नियुक्ति हुई है फैकल्टी में, उसका इन्वेस्टिगेशन हो, उनके हर एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीशंस की भी इंक्वायरी होनी चाहिए, जो एलोकेशंस किए हैं या जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीशन है उसकी एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। 2 नंबर, ये महत्वपूर्ण है, हम कह रहे हैं कि वाइस चांसलर और जो फैकल्टी मेंबर्स हैं जो 5 तारीख की घटना से जुड़े हुए हैं, वाइस चांसलर, फैकल्टी मेंबर्स एंड द सिक्योरिटी कंपनी, तीनों के ऊपर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि 5 तारीख को चाहे वो पेरियार हॉस्टल में हो, चाहे वो साबरमती के हॉस्टल में हो, या हॉस्टल के बाहर जो भी घटनाएं घटी, देयर शुड बी अ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, नॉट जस्ट अ सिविल इन्वेस्टिगेशन। बिकॉज 5 तारीख को जो हुआ, 5 तारीख को जो हमला हुआ, चाहे वो कहीं भी हुआ हो, चाहे वो किसी ने भी किया हो, सवाल ये उठता है कि इसमें एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। वाइस चांसलर, सिक्योरिटी कंपनी एंड फैकल्टी विच इज कंप्लिसिट इन दिस इंसिडेंट मस्ट बी सब्जेक्टेड टू अ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एंड नॉट अ सिविल इन्वेस्टिगेशन।